वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय सायमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत सलाम, और हम अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हो गए हैं। ये देखें, आपको यहाँ पर सब काउंटर पे सामान नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल एक डिश बनने वाली छोला चने चाट की रेसिपी है, और इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है। मैंने सब तमाम सामान रेडी करके रखा है, आपको मैं बता देती हूँ। ये देखिए, हमारे पास ये छोले होंगे, वाइट वाले छोटे चिक पीस होंगे, इनको मटर के दाने भी कहते हैं बहुत सारे। तो ये वाला जो बाउल हैगा, ये मैंने एक बाउल लिया था, और ये इसको मैंने रात भर सोडे में डाल के और इसको सोक कर लिया था, और सुबह मैंने इसको बॉइल कर लिया है। और ये देखें, ये मेरे पास बूंदियाँ हैं, दही बूंदियाँ, ये रेडीमेड हैं, और इनको भी मैंने एक ही प्याला जितना चने लिए हैं छोले उसी का हिसाब लेके मैंने इनको भी पानी में सोक करके और इनका पानी फेंक के रख लिया है। अच्छा, ये हमारे पास चाट मसाला है, ये हमारे पास इमली भीगी हुई है 2 चमचे, ये हमने अभी भिगो के रखी हुई है, और ये हमारे पास पापड़ी है, बॉयल आलू है, 1-2 आलू हैं ये छोटे वाले, इनको हमने बॉयल कर लिया है, और ये हमारे पास 1 पाव दही है, और ये देखिए हमारे पास 2 चमचे दही ये है, और ये एक प्याली में आपको ये नज़र आ रहे हैं चंद पत्ती पुदीने के और हरे धनिए के, और ये 2 बड़ी हरी मिर्च हैं ये हैं, और ये देखिए एक छोटा टमाटर कटा हुआ है, आधी हरी मिर्च है, और ये बंद गोभी है जो इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगी और क्रंची फ्लेवर देगी, और एक छोटी प्याज मैंने इसको कट कर लिया है स्लाइसेस में। आपको हम इसको डिश आउट करके बताएंगे, और सबसे पहले हम आपके लिए बता रहे हैं कि ये जो हमने 2 चमचे अलग से योगर्ट लिया है, इसकी हम एक अच्छी सी टेस्ट देने वाली एक चटनी बनाएंगे। देखें, ये पुदीना और ये टमाटर है, ये मैं अपना मैशर ले लूँगी क्विक से। ये देखें, ये जो पुदीना और ये हरी मिर्च है, ये हम अपने मैशर में डालेंगे जल्दी से इसको, और हमने देखिए हरे धनिए की थोड़ी डंडियाँ भी ली हैं, इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और तो आप ये ज़रूर डाला करें। और ये जो मेरे पास ये दही है, ये भी डाल देंगे 2 चमचे। ये देखें, ये दही डाल के और हम इसको मैश करके एक चटनी की फॉर्म दे देंगे, फिर हम आपको बताते हैं। और ये इसके साथ साथ मैं आपको जल्दी से ये भी बता रही हूँ जब तक मैं ये पीसूँगी। ये देखें, हमारे पास दही है, और इसमें हम इसको हम मीठा करेंगे। ये हैगा, इसमें मैं ये डाल रही हूँ 2 चम्मच, 3 चम्मच मैंने इसमें ये डाल दिए। इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे, मिला लेंगे, इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, और इस चटनी को पीस के हम आपको फिर डिश में असेंबल करके दिखाते हैं। अच्छा, देखें, ये हमने अपनी पुदीने की चटनी पीस ली है, और इसमें 2 चमचे दही है, और 2 हरी मिर्चें हैं, और थोड़ा पुदीना और थोड़ा हरा धनिया है। अच्छा, अब हमें इसको असेंबल करने के लिए हम अपनी एक प्यारी सी डिश ले लेते हैं। ये देखें, यहाँ हम आपको मिक्सिंग करके दिखाएंगे इसकी। सबसे पहले हम ये चने ले लेंगे, ये हमारे पास 1 कप चने हैं, और ये देखें हमने इसको रात भर सोक करने के बाद इसको सोडे में सोक किया था, और नमक डाल के सुबह बॉइल कर लिया इसको। देखें आप, इसके इस तरह गला हुआ है। तो हम सबसे पहले अपने छोले डाल देंगे। सबसे पहली लेयर आप छोले की लगा लें, उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास बूंदियाँ हैं, ये भी हमारे पास 1 प्याला थी, हमने इनको गर्म पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। ये देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट हुई है इस तरह, तो ये बूंदियाँ भी हम अपनी डाल देंगे इसमें। देखें, इसका पानी हमने छन्नी में बिल्कुल निकाल लिया, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप इसको देखें कि ये फूल गई हैं अच्छी तरह से, तो फिर इनको छन्नी में रख दें आप, तो ये अच्छे से। अच्छा, हम अलग अलग हम आपको अभी सर्विंग नहीं दिखा रहे, हम एक ही डिश में आपको सर्व करके दिखा रहे हैं। ये करने के बाद अब ये वाला जो दही है जिसमें हमने चीनी डाल दी थी, ये और ये वाली चटनी हमारी, देखें ये जो हमने पीस ली थी, इसको हम इस पर डालेंगे, मिक्सिंग कर देंगे इसकी। ये थोड़ा हमें ज़रा चिली फ्लेवर देगा इसके, कि हमने इसमें हरी मिर्च पीस लिए, तो खट्टा मीठा सा फ्लेवर आएगा इसमें। ये हमने सब डाल दिए अच्छी तरह, ये हो जाएगी। अच्छा, थोड़े से आलू हम अभी यहाँ बीच में डालते हैं, ऐसा करते हैं, और बाकी के हम ऊपर सर्व करने के लिए कर लेंगे। आलू बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए हमने ये थोड़े बॉयल आलू रखे हैं इसमें। देखिए इस तरह डल जाएंगे, और ये देखें, ये अभी हमारे पास ये दही है, ये हमारा मीठा वाला दही है। सब तरफ अच्छे से डाल दीजिए इसको, आधा हम अभी डाल रहे हैं इसको। देखें, सब तरफ डालने के बाद ये लेयर कर देंगे, अब इसको रखते हैं। और ये देखें, ये हमने आपको दिखाया था, ये 2 चम्मच यही वाले 2 चमचे हमने इमली ली थी, और आधा कप पानी में हमने इसको सोक कर दिया था। ये देखें, इसको हमने छान लिया है, तो इस तरह इसका पल्प आ गया है।
घी डाल देंगे। थोड़ा बचाएंगे अभी, इसको लास्ट में डालेंगे। अच्छा अब ये देखें कि हमारे पास प्याज है और ये टमाटर हैं, अब हम इनको डालते हैं। बीच में एक लेयर दे देंगे थोड़ी सी, ये टमाटर की दे देंगे और ये दो हरी आधी हरी मिर्च थी तकरीबन, इसको हमने छोटा कट कर लिया था, ये डालेंगे। और ये हमारे पास बंद गोभी है, ये डालेंगे। और ये प्याज है, प्याज आप डालेंगे ऊपर अच्छे से। अच्छा यहाँ हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला है, ये हमारा रेडीमेड है ना, तो हम ये थोड़ा स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि इसके अंदर मिर्चों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये सब करने के बाद अब हम इसके ऊपर दोबारा से ये पोटैटो डाल रहे हैं। अच्छा सर्विंग आप जितनी अच्छी करें, जितना अच्छा सर्व करेंगे, देखने में लुक आएगा डिश आपकी उतनी अच्छी लगेगी। कोशिश करें कि खाने को प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से करें। अब ये हम अपने इमली का बाकी का पल्प डाल देंगे। ये हमारा दही है, ये अब हम पूरा डाल, पहले हमने थोड़ा इसलिए डाला था ताकि इसके नीचे अच्छे से कोटिंग हो जाए। ये देखें ये दही हमने डाल दिया अपना, और ये अब जो बाकी का हमारा ये है थोड़ा सा ये डालेंगे हम। तो देखें बहुत अच्छे कलर्स आ रहे हैं इसमें। ये देखें ये हमारे पास पापड़ी है, पापड़ी तो चनों में बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है, इसको हम थोड़ा सा मैश करेंगे और फिर इसको डाल देंगे। गर्मियों में ये बहुत अच्छा लगता है खाना, रमज़ान में भी बहुत ज़बरदस्त है, आप बहुत जल्दी कोई बना सकते हैं। अगर चने आपके पास उबले हुए हैं और भुनिया आप 15 मिनट के लिए भी होएं और उसके बाद आप इनको सर्विंग डिश में जल्दी से सेट कर लीजिए और ये आपकी एक डिश रेडी हो जाती है। मैंने हल्का सा चाट मसाला और डाल दिया और बाकी का मैं साथ में रख दूँगी, जिनको ज़्यादा खाना होगा तो वो ज़्यादा खा लेंगे। देखें ये हमारी चना चाट बिल्कुल रेडी है, डिश में देखें कितनी अच्छी भी लग रही है और इसके अंदर लेयर्स भी हैं, तो हम आपको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। ये देखें, ये देखें नीचे चने आ रहे हैं और ये ऊपर के छोले और पापड़ी आ रही है। बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है और नीचे इसका देखें ये दही वाला अरोमा, फ्लेवर, ये खुशबू बहुत ज़बरदस्त लग रही है। ये देखें हमारे देश बिल्कुल रेडी है, ज़बरदस्त है। आप इसको खाइए, बताइए अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा लगा है और हमारी डिश अच्छी लगी तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फीडबैक अपना ज़रूर दें और अपना इजहार राय ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। नेक्स्ट रेसिपी में या रेमेडी में हम आपसे फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।